अच्छा, एक मसला और बहुत आ रहा है, मेरे को हंसी भी बहुत ज्यादा आ रही है उस मसले पे। एक ये जो सीमा हैदर के घर में गया था राजवर्धन परमार, जो महाराणा का कोई मतलब ग्रुप है, कमेटी है, उसका सदस्य है, यूं कह सकते हो कि उसका अध्यक्ष है, तो इसने राम मंदिर जाने के लिए बोल रहा कोर्ट से एक कागज बनवा के दिया था, मतलब एक अलाउ पेपर होता है जो अलाउड दिया था सरकार ने उसको, कोर्ट ने, कि मतलब राम मंदिर से सीमा हैदर जा सकती है। तो राजवर्धन पर सीमा हैदर राम मंदिर क्यों जाएगी भाई? भाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट ने कागज बना के दिया जाने के लिए, अलाउड परमिशन दी है। अरे मैडम एक बात बता, मंदिर में जाने के लिए कब से देश के अंदर कानून हो गया कि भाई कोर्ट कागज देगा, भी कब से लागू हो गया, कहाँ पे नियम लिख रहा हुआ है, कहाँ पे, किसने बताया? बस 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 वही मैं कह रही हूँ कि कितनी झूठी खबर इस कमीने ने फैलाई कि देखो क्या कहते हैं, मेरे को कागज लेके आके दे गया, उसमें मोहर मार दिया, उसमें इसने साइन कर दिया, और झूठा कागज था सीमा हैदर को फुसलाने के लिए। लेकिन सब लोग उससे लड़ कर रहे हैं कि नहीं सच है, कागज कैसे ले आएगा, आज का कागज कोर्ट ने कैसे दे दिया। उसके अंदर ऐसा कहीं भी नियम और कानून नहीं है कि जहाँ पे किसी आदमी को मंदिर में जाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़े, और कहीं भी पूरे देश में मंदिर में आदमी निस्वार्थ कभी भी जा सकता है। लेकिन सीमा हैदर नहीं जा सकती ना, वो तो बेल पे है ना। सीमा हैदर इस देश की है ही नहीं, तो जाएगी कैसे? नहीं लेकिन उसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई कि जा सकती है। अरे मैडम किसने दिखाया, क्यों दिखाया, झूठा है सब ये, वैसे लोग दिखा देते हैं। एक बात बताओ ना, उसके पास जाके पूछो ना कि भाई कहां पे किस कोर्ट से लिया है आपने, और कौन से जज ने दिया है। तो इस तरह से सरकार को या कोर्ट को बदनाम किया जा रहा है ना अच्छी तरह से। नहीं तो सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्या ऐसे आदमियों के भाई तुम हमारे सरकार को मतलब क्यों गुमराह कर रहे हो, और सरकार के खिलाफ मतलब इस तरह का व्यवहार करना, आदमी को गलत करना बेकार है, कोर्ट को भी बदनाम करना, ऐसे आदमी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अच्छा तुम जब सनातनी थे, अब कह रहा है वो बंदा राजवर्धन परमार कि सीमा हैदर को मैंने कोर्ट से ऑर्डर ला करके दिया, परमिशन ऑर्डर ला के दिया कि मंदिर जाओ, लेकिन वो करेक्टरलेस महिला है, उसने मना कर दिया। मतलब कितना झूठ उड़ा रहा है बातें सिर्फ। मैडम आ देखो, हिंदुस्तान में मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो, जो जिस आदमी धर्म को मानता है वो अपने में बिना परमिशन के कभी भी जा सकता है। सीमा हैदर नहीं जा सकती ना, वो बेल पे है। ठीक है, मंदिर में जाएंगे ना गुरुद्वारा में जाएंगे, बिना परमिशन के कभी भी जाए, चाहे सुबह जाए शाम जाए दो दिन में जाए, हिंदू आदमी मंदिर में। सीमा हैदर की बात हो रही ना, सीमा हैदर तो कतई नहीं जा सकती ना। सीमा हैदर इस देश की है नहीं, तो इस देश के मंदिर में जाने का उसका किसने अधिकार दिया है, क्यों दिया है, और कौन ऐसा जज है कि भाई जो बिना अधिकार के उसको जाने की अनुमति दे रहा है कि भाई जो वो यहाँ देश की है नहीं, उसको नागरिकता ही नहीं, तो उसको परमिशन कैसे देगा। एक्चुअली पहले ये लोग जाते थे घुस घुस करके बैठते थे, जब सीमा हैदर देखा अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिली इनको, तो बोल रहे वो तो गंदी लेडीज है, वो तो करेक्टरलेस लेडीज है, वो तो सचिन को छोड़ करके भाग जाएगी। मतलब जब तुम घुस घुस करके बैठते थे तब क्या सोच करके बैठते थे? अरे जब एक बात बता, अच्छी लेडीज होती तो वो अपने पति को छोड़ के नहीं आती, जब चार चार बच्चों को देके यहाँ पाकिस्तान से आई है, पहले नेपाल में रही है दो तीन साल है, और भी कुछ है आवारागर्दी करी है, तो अगर मान ले वो अच्छी होती तो यहाँ क्यों आती, वहीं क्यों नहीं अपना घर बसा कर रहती, ये बात भी सोचो। वही तो फिर भी प्यार मोहब्बत तुमको हो गया था तो अपने देश में करती मरती ना, वहाँ यहाँ कूद के क्यों आ गई? अरे किसका प्यार मोहब्बत है, ये तो अपने कोई जाल साज के चक्कर मार रही है, इसका कोई मकसद है, और एज लेडीज के पर क्या भरोसा करना, जो अपने पति की नहीं हुई वो किसकी क्या होगी, जो अपने बच्चों की माँ नहीं हो सकती वो भविष्य में किसी की माँ नहीं हो सकती, आप इस चीज को भी समझो।
लेकिन यहाँ के भारत के लोग तो उनका जो साथ दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो गए, कुछ नेता नगरी हो गई, कुछ विदेशी आ रहे हैं मिलने, जैसे कि आपके नोएडा के कुछ एरिया के दुबई में रहते हैं तो उन्होंने सुना है तो वीजा मतलब अपनी छुट्टी ले लेकर के आ रहे हैं कि मेरे रघुपुरा में मतलब आई हुई है तो मिलूं जा करके। मतलब कैसे तुम आदमी हो कि घनचक्कर हो कि तुम दुबई से मिलने आ रहे हो उसके लिए? उसने कौन सी ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर दी है हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। एक बात बता, ये गवर्नमेंट ने कोठे खोल रखे हैं, तो सीमा इधर का तो वो मिलने जा है तो वो तो खाली वैसे थोड़ी मिलने जाता है, वो तो उसकी मौज मस्ती लेने के लिए जाता है कि भाई अपने ठीक है पैसे लेके। लोग पैसे फूक के घर से दूर कोठे पे जाते हैं तो ऐसे लोग उससे मिलने जाते हैं। बात तो सही है, थोड़ी जाते हैं कि 100% कोई वो थोड़ी है उससे अपना मौज मस्ती करी अपने भाई पैसे देकर आगे भाई, जैसे कोठे पे दलाल देकर आ जाते हैं लोग देकर आ जाते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ इसको तो कोठे वाली भी मैं नहीं कह सकती, तो कोठे वाली भी नहीं है, कोठे वाले भी अपने बच्चों का खैर करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अरे ये किसी के नहीं है, ये कुछ भी नहीं है किसी की, इसको तो बता तो रहा देश से निकाल देना चाहिए। अच्छा ये बताओ ये जाएगी कि नहीं जाएगी? हमें तो नहीं लगता ये जाएगी। एक वकील बदल रहे हैं बस। मैडम ये 100% जाएगी, लिख लो सही, जाएगी अब का इलेक्शन होते ही ये 100% जाएगी। अच्छा मैंने आज एक वकील से बात किया था तो वो कह रहा था देखो इसके पहले एक दो महीने पहले एक साइस्ता नाम की लेडीज आई थी जिसके पास 16 साल का लड़का था तो उसको जेल में डाल दिया गया, उसको नहीं मतलब सरकार ने उसको एंट्री दी, उसको जेल में डाल दिया, उसके लिए लीगल कार्रवाई हुई। लेकिन अभी इसको इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि इसको कोई लेना चाहता है, इसको कोई अपनी पत्नी बनाना चाहता है, इसको कोई गार्जियनशिप मिली है, इसलिए इसको कोई भी नहीं भगा सकता। अगर जो साइस्ता लेडीज आई थी एक महीने पहले दो महीने पहले शायद आई थी, उसको भी कोई कहता है कि मेरी बेटी है मेरी पत्नी है। श्रीलंका से आई थी साइस्ता, 3-4 महीने हो गए। हाँ तो उसको तो उसको जेल में डाल दिया, तो जेल में तो इसको भी डालना चाहिए और ये भी जाएगी। मतवले ऐसी बात नहीं है कि योगी जी इसको पक्का कन्फर्म है कि भैया योगी जी इसको जेल में डालेंगे। तो कहाँ की जेल में जाएगी, पाकिस्तान की जेल में कि इंडिया की जेल में? पाकिस्तान की जेल में है। अच्छा इंडिया की जेल में नहीं जाएगी? ना ना, ना इसको यहाँ से भगा देंगे। तो ये पक्का है कि तो जेल जाएगी? ये कन्फर्म जेल जाएगी मैडम। अच्छा नहीं हमारे यहाँ बस सरकार को गाली दे रहे हैं, सरकार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, आंदोलन जो छिड़ा है किसान आंदोलन वहां भी कितने सरदार हैं पंजाबी, वो बोल रहे सीमा हैदर को रख रखा है, सीमा हैदर को रख रखा है।